सो हेलो गाइस, मैं हूं अंकित। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बैक गियर के बारे में। देखिए, होता क्या है कि बहुत लोगों को ना प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही वो बैक गियर लगाते हैं तो या तो वो सही ढंग से लगता नहीं है, या थोड़ा आप देखते हैं ना कि ऑब्स्ट्रक्शन लगेगा आपको। मतलब आप गियर लगाते हो तो वो सही से लगेगा नहीं, एक बार में नहीं लगता, आपको एक दो बार क्लच प्रेस करना पड़ता है फिर वो सही से लगता है, या मान लीजिए कस के थोड़ा प्रेस करना पड़ता है, आप लगा देते हो। अब जिन गाड़ियों में बैक गियर के लिए हॉर्न नहीं रहता बकायदा, मतलब जो म्यूज़िक वगैरह बजती है जैसे ही आप बैक गियर एंगेज कर देते हो, तो जिन गाड़ियों में वो नहीं लगा रहता ना, तो आप कई बार ऐसे लगाते हो और आप जैसे ही एक्सेलरेट करते हो तो आप देखते हो अरे गियर तो लगा ही नहीं है, गाड़ी न्यूट्रल पर रह गई। या फिर जैसा कि मेरा गियर आगे की तरफ है, तो होता क्या है कि जैसे मैं बैक गियर लगाने की कोशिश करता हूँ तो कभी कभी फर्स्ट गियर लग जाता है, तो वो प्रॉब्लम आती है और वो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है, क्या इसका सलूशन है, पूरा बात करेंगे वीडियो में, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है इसी तरह से कार्स और ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियोस जो कि आप देख के अपनी ड्राइविंग इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और दिखाते हैं आपको बैक गियर में क्यों प्रॉब्लम आती है और उसका क्या रेजोल्यूशन है बकायदा प्रॉपर, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो बैक गियर लगाने में, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो बैक गियर लगाने में, और आसानी से ईजिली बैक गियर हमारा लग जाए। सो गाइज, मेरी ये ग्रैंड आइटन है जिसमें देखिए बैक गियर ना थोड़े अलग टाइप से लगता है। अलग टाइप से क्या लगता है, जहाँ पे इसका फर्स्ट गियर लगता है वहीं पे इसका रिवर्स गियर लगता है। ये देखिए, आपको यहाँ पे मार्किंग दिख जाएगी आर की, फर्स्ट और रिवर्स दोनों एक साथ लगता है। अब ये लगता कैसे है, देखिए हमें सिंपली यहाँ से इसको अप करना पड़ता है थोड़ा। ये देखिए, जैसे मैंने पुश करा ना, तो हम पुश करेंगे और ऐसे जाएंगे, फर्स्ट गियर जैसे लगाते हैं उसी तरह से लगाएंगे और ये हमारा रिवर्स गियर लग जाएगा, ठीक है। तो कई बार होता क्या है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि ये देखिए, ये मेरा क्लच है ना, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए क्लच है। तो बहुत बारी होता क्या है कि मैंने इतना क्लच दबाया, ठीक है, अब मैं गियर अगर बैक गियर डालने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो सही से लगता नहीं है या थोड़ा फंस के लगेगा, ठीक है, फंस के लगेगा, सही से लगेगा नहीं, दिक्कत आती है। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप क्लच प्रेस करें ना, जब भी आप क्लच प्रेस करें ना, तो ये देखिए इस तरह से पूरा क्लच प्रेस करें। हमेशा आप अपनी आदत में डाल लीजिए कि कभी भी आप गियर चेंज कर रहे होंगे, सिर्फ बैक गियर के लिए नहीं है, आप सभी गियर्स के लिए जब भी आप गियर चेंज कर रहे हैं, अप कर रहे हैं या डाउन कर रहे हैं, तो आपको हमेशा क्या करना, आपको हमेशा पूरा क्लच दबाना, ठीक है। ऐसे पूरा क्लच दबाएंगे और ये मैंने पुल किया ऊपर, ये देखिए ऐसे करा और सिंपली ये देखिए ऐसे क्या होगा, हमारे सारे गियर्स ईजिली लग जाएंगे, ठीक है। अगर आपका क्लच पूरा दबा रहेगा, फर्स्ट भी लगेगा, थर्ड भी लगेगा, सेकंड भी लग रहा है, फोर्थ भी लग रहा है, ठीक है, आसानी से लग जाएंगे गियर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप थोड़ा सा भी क्लच प्रेस करने में थोड़ा सा रिलीज़ करके रखेंगे तो ये हमें दिक्कत फेस करने को दिखती है, खासतौर से बैक गियर में, हमारा बैक गियर जल्दी नहीं लगता है, ठीक है। अब ये तो हो गई एक बात, अगर आपको इसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है कि आपका बैक गियर फंस के लग रहा है या सही से नहीं लगता है, तो अभी देखिए बैक गियर होता क्या है, ये फोर्थ दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादातर गाड़ियों में यहाँ पे होता है, इस जगह पे आपको रिवर्स गियर दिखेगा, मतलब आप ऐसे राइट आएंगे, ऐसे पीछे जाएंगे और वहाँ पे रिवर्स गियर आपको दिखता है बहुत सारी गाड़ियों में। तो हम करते क्या है कि हम ऐसे राइट लेते हैं, रिवर्स गियर लगाते हैं, तो बहुत ज़्यादा उसे प्रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा पुल करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा गियर, आप कह सकते हैं गियर बॉक्स में भी ना थोड़ा इतना मतलब फ्रीली हो जाता है कि हमारा गियर थोड़ा ऐसे करके हमें ज़्यादा शिफ्ट करना पड़ता है, तब वो सही से लगता है। और अगर उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपका गियर नहीं लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली देखिए आप ऐसे फर्स्ट गियर एक बार लगा लीजिएगा, ठीक है, एक दो बार ऐसे फर्स्ट लगा के देखिए, उसके बाद आप आराम से अपना बैक गियर लगा के देखिए, आपका बैक गियर देखिएगा बिल्कुल स्मूदली लग जाएगा। होता क्या है, थोड़ा थोड़ा गियर बॉक्स में ना इधर उधर फंस जाता है, जिसकी वजह से सही से लगता नहीं है गियर। तो आप करेंगे क्या, आप या तो फर्स्ट या सेकंड गियर ना आप एक दो बार लगा लेंगे ऐसे, ठीक है, आप एक दो बार ऐसे करके लगा लेंगे, उसके बाद आप सिंपली अपना जैसे ही बैक गियर लगाएंगे, आसानी से ईजिली से आपका बैक गियर लग जाएगा। और ज़्यादातर तो प्रॉब्लम आपकी वहीं पे सॉल्व हो जाएगी जहाँ पे आप पूरा क्लच प्रेस कर लेंगे, उसके बाद आपको प्रॉब्लम बहुत कम फेस करनी पड़ेगी। सो गाइस, ये था मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपका बैक गियर फंस फंस के लग रहा है या फंसता है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो कैसे उसका रेजोल्यूशन कर सकते हैं और क्या हम प्रिकॉशन यूज़ करेंगे अगर हम क्लच पूरा दबाएंगे तो हमें प्रॉब्लम जल्दी नहीं आने वाली है गियर फंसने की। सो गाइज, ये था मेरा एक आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।